Hello everyone, welcome to my YouTube channel 11th Hour. I am dealing with class 6 science CBSE chapter number 2 components of food. तो हम अपना टॉपिक व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी ये डिस्कस कर रहे थे. मैंने इसमें एनर्जी गिविंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बॉडी बिल्डिंग में प्रोटीन्स एंड प्रोटेक्टिव फूड्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब अलग अलग मैंने टॉपिक वाइज ब्रीफली डिस्कस किया है एंड एक्सप्लेन किया है. ठीक है, अदर देन दिस न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी नीड रहते हैं. ठीक है, इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहते हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं. ठीक है, डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर के बारे में. ठीक है, तो डाइटरी फाइबर्स हमें रफेज भी बोलते हैं. ठीक है, एंड ये मेनली प्रोवाइडेड रहता है बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, है ना. इसके सोर्सेज है होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोस, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. ठीक है, रफेज है जो फाइबरस मैटर रहता है इन आवर फूड और जो डाइजेस्ट नहीं होता, इट कान बी डाइजेस्टेड, है ना. इट इज़ मेनली मेडअप ऑफ इनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट जिसे हम सेलुलोज कहते हैं, जो प्रेजेंट रहता है प्लांट सेल वॉल्स में. ठीक है, जो डाइटरी फाइबर्स है या रफेज है, ये कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है. इट हैज़ नो फूड वैल्यू, इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एसेंशियल कॉम्पोनेंट रहता है हमारे फूड का एंड हमारे फूड को बल्क ऐड करता है एंड दस इट हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ये हमारे फूड में बल्क ऐड करता है जिससे हमारे बॉडी के जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, जो लैक ऑफ फाइबर्स इन आवर डाइट है ये कॉज करता है स्टूल को हार्ड करने में एंड डिफिकल्ट टू पास एंड दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्स्टिपेशन. तो ठीक है, लैक ऑफ फाइबर्स इन आवर डाइट कॉजेज द स्टूल टू बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू पास, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन. ठीक है, अब आइए वाटर डिस्कस करते हैं, है ना. हम वाटर तो हमें पता है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ठीक है, वाटर मेक्स अप ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, है ना. वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर कहाँ से मिलता है हमें, बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक लाइक वाटर, मिल्क, टी, जूसेस एक्सेट्रा. हमारी बॉडी में वाटर हेल्प्स करता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड. ठीक है, ये हमारी बॉडी को वेस्ट मटेरियल्स एज यूरिन और स्वेट को थ्रू आउट करने में भी हेल्प करता है. ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इन आवर बॉडी, इनसाइड आवर बॉडी, है ना. जो वाटर है रेगुलेट करता है आवर बॉडी टेम्परेचर एंड इट इज़ नीडेड फॉर केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो लाइक विच टेक्स प्लेस इन साइड आवर बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, है ना. वी गेट वाटर नॉट ओनली फ्रॉम लिक्विड बट ऑल्सो फ्रॉम फूड लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड इन एडिशन हम ना कुक फूड्स में वाटर भी ऐड करके पकाते हैं. तो लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी. आपकी बुक में एक्टिविटी दी, एक्टिविटी नंबर 3 आई है, उसको डिस्कस करते हैं. लेट्स टेक अ टोमेटो फ्रूट लाइक लेमन, ओके. हमें उसे कट करना है, आप भी घर में से ट्राई कर सकते हैं. ठीक है, बट विद हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और मदर. ठीक है, मदर, पेरेंट्स, एनी वन एल्डर देन यू. ठीक है, तो आप जब भी हम कट करते टोमेटो या लेमन जो भी, तो आपने देखा होगा इसमें हमारे हाथ गीले जाते, इट गेट्स वेट वाइल डूइंग सो. वाई, हमें केयरफुली अगर ऑब्जर्व करेंगे वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर बींग कट, पील्ड, अगर ग्रेट करेंगे या मैश करेंगे हमारे घर पे, तो हम एनी फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स देखेंगे तो हम ये दिखेगा कि दे कंटेन अमाउंट ऑफ वाटर इन देम. तो वी सी दैट एनी फूड मटेरियल देमसेल्व्स कंटेन वाटर टू सम एक्सटेंट. तो हम ये इसे कंक्लूड करते कि आवर बॉडी आर मेड बाय दिस वाटर. ठीक है, हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ये इसमें जो नेचुरल हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में वाटर प्रेजेंट रहता है उससे भी रिक्वायरमेंट मीट होती है हमारी. ठीक है, टू सम एक्सटेंट, है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स. ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक एंड एंड ऑफ द वीडियो. तो मैंने आपका प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स ये सब इंडिविजुअल एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, तो हमारा व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है. सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बैलेंस डाइट एंड उसकी डेफिशिएंसी डिजीज बताऊंगी. ठीक है, कि बैलेंस डाइट क्या होती है, इम्प्रॉपर डाइट लेने से कैसे डेफिशिएंसी डिजीज कॉज होती है, हम ये डिस्कस करेंगे. दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. अगर आपको नोट सही है देन प्लीज़ कमेंट योर ईमेल आईडी एंड आई विल सेंड यू. आई विल टेक 0 कॉस्ट, मैं कोई कॉस्ट नहीं लूँगी, इट विल बी फ्री. So please like, share and subscribe my YouTube channel and take care till then. Bye.